हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य और मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मीन्स डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको परिभाषित करने की जरूरत होती है। आइए हम देखें कि जब कोई ठोस अवस्था से सॉलिड स्टेट से द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड स्टेट में परिवर्तित होता है तो आखिर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, क्या बढ़ता है या घटता है या दोनों होता है, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ के मेल्ट होने पर अर्थात गलने पर उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं, मीन्स गलन या मेल्टिंग से आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मेल्टिंग या चेंज इन वॉल्यूम अनमेल्टिंग, गलन पर मेल्टिंग पर आयतन में परिवर्तन। आइए देखें, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉलिड बैग्स का, जिसको आप मोम कहते हो, ठोस मोम, सॉलिड बैग्स, जो आप मोम की बात करते हैं। हमने 1 ग्राम मोम ले लिया, 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो है और उसका आयतन है सॉलिड स्टेट में, जब वो ठोस अवस्था में है तो उसका आयतन है 1.161 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आयतन है उसका किस अवस्था में, जब वो सॉलिड स्टेट में है अर्थात ठोस अवस्था में है। और जब इसको हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, हीट देते हैं, मीन्स हीट एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है ऊष्मा, तो ये किस में, लिक्विड जो है बैग्स में कन्वर्ट हो जाती है, मोल्टन मीन्स होता है पिघली अवस्था, ये लिक्विड मोम में कन्वर्ट हो जाती है। द्रव्यमान वही है 1 ग्राम, पहले भी था अब भी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर आयतन या वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1.166 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए पहले कितना था, 1.61 था, अब कितना हो गया, 1.66 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीन्स वॉल्यूम में जो चेंज हुआ, आयतन में जो परिवर्तन हुआ, वो अगर हम लिक्विड के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो इसका वॉल्यूम देखिए है 1.166 माइनस 1.161, तो ये आपका आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स इतना आयतन बढ़ गया, देखिए इतना आयतन इंक्रीज हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर ठोस जो होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड जो होते हैं, उनको अगर गर्म किया जाता है, मीन्स उनको हीट दिया जाता है, तो उनका प्रसार होता है, उनका आयतन में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम है वो ज़्यादा है सॉलिड स्टेट के वॉल्यूम से, यहाँ 1.166 है, यहाँ 1.161 है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बर्फ का, बर्फ जो है आइस है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, मीन्स ठोस अवस्था में है। देखिए कितना द्रव्यमान है, 1 ग्राम, ताप कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आयतन कितना है, 1.091 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको हम उष्मा देते हैं, जब ये वाटर में कन्वर्ट होती है जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो द्रव्यमान 1 ग्राम ही रहा लेकिन आयतन कितना हो गया, 1.000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए आयतन कितना कम हुआ, 0.091 कम हो गया। इसका लिक्विड स्टेट में, ये जब द्रव अवस्था में इसका आयतन कम है, इसका सॉलिड स्टेट में आयतन ज्यादा है, आयतन में कमी हो रही, देखिए इतना आयतन कम हो जा रहा है। यहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से कम है, मीन्स द्रव का आयतन ठोस से कम है, और आयतन में कमी हो रही, तो डेल्टा वी निगेटिव में आएगा, जबकि यहाँ पर डेल्टा वी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आयतन में कमी हो रही है। इसका मतलब दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक वह पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, ऐसा ज़्यादातर ठोसों में होता है, एक ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका आयतन घटता है, ऐसा कुछ पदार्थों में होता है।
इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं, एक वह पदार्थ जिनको हम उष्मा दें अर्थात वो उष्मा को अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और जब वो लिक्विड स्टेट में बदल जाए तो फैल जाते हैं अर्थात एक्सपैंड होते हैं, मीन्स उष्मा देने पर ये इनका प्रसार होता है, ये फैलते हैं। अब इनका आयतन द्रव अवस्था में ज्यादा होता है ठोस अवस्था से, VL ग्रेटर देन VS है, और यहाँ पर जो आयतन में परिवर्तन आएगा डेल्टा वी, ये क्या आता है देखो प्लस में आता है। इसका कारण क्या है कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है सॉलिड के वॉल्यूम से, मीन्स द्रव का आयतन ठोस के आयतन से ज्यादा है। दूसरा देखिए, वह पदार्थ है जैसे बर्फ की बात करें, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको उष्मा देने पर उनका आयतन जो होता है जब वो द्रव अवस्था में जाते हैं तो आयतन कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और ये सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा कि बर्फ के केस में है। यहाँ पर डेल्टा वी क्या आता है, निगेटिव आता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो दो तरीके का व्यवहार शो करते हैं, एक वह पदार्थ जिनको उष्मा देने पर वो फैलते हैं अर्थात एक्सपैंड होते हैं, और एक वह पदार्थ जिनको उष्मा देने पर सिकुड़ते हैं अर्थात कंट्रैक्ट होते हैं। तो मीन्स जो फैलेंगे उनका आयतन बढ़ेगा अर्थात वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जो कंट्रैक्ट होते हैं सिकुड़ते हैं उनका आयतन घटता है अर्थात उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि इस किसी भी ठोस पदार्थ के गलनांक जो कि उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है उस पर जो है किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, मीन्स प्रभावित करते हैं, मीन्स गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा और वो दाब के साथ कैसे परिवर्तित होगा। तो हम देखेंगे कि किसी ठोस पदार्थ के गलनांक पर जो है अशुद्धि का और दाब का क्या प्रभाव होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, ओके।